शिवराज कैबिनेट में शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में नई आबकारी नीति पर शिवराज कैबिनेट की मुहर लग गई है, जिसमें फैसला लिया गया कि प्रदेश भर की शराब दुकानों के अंदर या बाहर आहातों को बंद कर दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक अब शराब दुकानों पर आप बैठकर शराब नहीं पी पाएंगे। इस वर्ष की भी मदरा नीति जो आबकारी नीति आई है, मदरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी आहाते हैं, सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। कोई आहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता उमा भारती ने शराब दुकान में बैठकर शराब पीने को लेकर सरकार से मांग की थी कि नई शराब नीति में इसे बंद कर दिया जाए, जिस पर शिवराज कैबिनेट में मुहर लग गई है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।